सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फूड एंड ब्यूटी चैनल को, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी, और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड, प्लिट्स वाले पर्दों को कैसे जो है घर में ईजीली वे में धोया जाए। वैसे तो पर्दों को धोना बहुत ईजी है, बट उसमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि है जो पर्दे की शाइनिंग रहे और प्लेट्स ना बिगड़े। प्लेट्स बिगड़ जाएंगी तो पर्दे की जो है सब क्रीज ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन में जो है प्लेट्स वाले पर्दों को कैसे धोया जाता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेट्स जो है मैंने अपने जो रूम की या फिर अपने घर की जो है मैंने सारे कर्टन्स उतार दिए हैं, और अब मैं इन कर्टन्स को जो है धो लूँगी अच्छे से। तो पहले जो मैंने कर्टन सब भी उतार लिए, और उतारने के बाद जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं टिप देना चाहूँगी सबसे पहले तो, पर्दे आप जब भी घर में बनवाएं या फिर आप लें तो स्टील वाले जो हैं रिंग ये ज़रूर लगवाएं, क्योंकि प्लास्टिक की रिंग लगाने से ये होता है फ्रेंड्स, वो हट जाती हैं, स्टील वाली हमेशा हमेशा लगी रहेंगी और पर्दों में कभी जो है हटती नहीं है स्टील वाली। तो रबड़ जो प्लास्टिक वाली होती है वो हट जाती है जल्दी से, तो मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स। और सेकेंडली, अब जो मैंने कर्टन्स इस तरीके से निकाल दिए हैं आप देख सकते हैं, और अब मैं जो है वॉशिंग मशीन में मेरी सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, और इसमें मैं जो है सारे कर्टन्स डाल दूँगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन में धोने से स्टील का जो ये जो वो नहीं हटेगा, और मैं इसमें वॉशिंग में फेना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वॉशिंग मशीन अभी क्लीनिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं जल्द ही वॉशिंग मशीन क्लीनिंग की भी वीडियो डालूँगी, और जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं क्लीनिंग करूँगी तो वीडियो डाल दूँगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन में जो स्टील की रिंग होती है कर्टन्स में वो नहीं हटेगी, लेकिन प्लास्टिक वाली होती है वो हट जाती हैं, और कर्टन्स के स्टफ़ पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे कर्टन्स होते हैं जैसे कि सिल्क है, और भी बहुत सारे स्टफ़ होते हैं, उनमें प्लिट्स बिगड़ जाती हैं क्योंकि आजकल प्लिट्स वाले पर्दे होते हैं। तो अगर कुछ धोने के बाद जो है कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने धो लिया, ड्रायर कर लिया, ड्रायर में भी मैं कुछ टिप्स दूंगी। ज़्यादा धोने के बाद ये होता है फ्रेंड्स कि सूखाने के बाद सिल्क की अगर पर्दे हों तो आप थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें, जिससे कि जो है प्लेट्स आपके बिगड़े नहीं और ऐसी एज इट इज़ रहे। लेकिन ये जो मतलब स्टफ़ है इस कर्टन का, ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी प्लेट्स एज इट इज़ रहेंगी। और कुछ टिप्स भी हैं जिसमें जो हम तरीके से धो सकते हैं, जिससे कि प्लेट्स ना बिगड़ें और अच्छे से रिंग भी रहें और पर्दों में शाइनिंग भी रहे। तो मैं इसको दो टिप्स देना चाहूँगी इसमें, पहले तो स्टार्टिंग में कि या तो आप बाल्टी में डालेंगी तो इतना स्पेस नहीं आ पाएगा क्योंकि बाल्टी छोटी पड़ेगी, या तो वॉशिंग मशीन में इसमें भिगो के रख सकती हैं, फिर इसी में निचोड़ के और आप ऐसे जो है उछाल के और धूप में सुखा सकती हैं, या फिर ड्रायर भी कर सकती हैं साथ में, या तो ये है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आप इसको घुमा लें, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं और हम घुमाते हैं कपड़ों को इस तरीके से जो है चला देते हैं हम मशीन, तो वैसा भी कर सकती हैं। और चाहे तो आप ऐसे डिप करके रख लें और निचोड़ के और उछाल के सुखा लें, या फिर आप ऐसे जैसे कपड़े धोती हैं आप वैसे भी कर लें। तो जैसे आपके स्टफ़ हो कर्टन का, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही करें। तो मैं इस तरीके से अपने जो है कर्टन्स धोती हूँ, और इस तरीके से जो मैं हर बार धोती हूँ, मुझे कम से कम 5 से 6 बार मैंने कर्टन्स इस तरीके से धोए हैं, और कभी कोई शिकायत नहीं आई, कभी इस तरह से रिंग नहीं हटी, और कभी, क्योंकि स्टफ़ पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कर्टन का स्टफ़ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ता है। कुछ अलग अलग स्टफ्स होते हैं, उन पर अलग अलग तरीके से जो है वॉश करना पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है अच्छे से जो है घूम चुका है ये, और इसके बाद अब हम इसको ड्रायर में डालेंगे। तो टाइम सेट करने के बाद 12
12 के उस पर लिखा होता है, तो टाइम पे सेट करने के बाद ये चक्कर घूम गया। और उसके बाद जो है मैं इसको ड्रायर में स्पिन में डालूंगी कर्टन को। और आप देख सकते हैं ये रिंग, आप देख सकते हैं जो रिंग है वो नहीं हटी और अच्छे से कर्टन जो हमारे वॉश भी हो गए। और पानी में आप देख सकते हैं कितनी मैल है क्योंकि कर्टन्स काफ़ी गंदे थे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको ड्रायर कर लूँगी, स्पिन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है अभी आप वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालें तो एज इट इज़ डालें, जो है रफली ना डालें, इससे क्या होगा प्लेट्स बहुत ज़्यादा निचोड़ने के निशान आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से डालें, और मैं ड्रायर में भी इस तरीके से डाल रही हूँ कि जो है मुचड़ने के निशान ना आए, तो इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। सब जो है मैंने इसको कवर कर लिया है और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और अब मैं ड्रायर के लिए सबसे पहले जो है टैब ऑन कर लूँगी और इसमें टाइम सेट कर लूँगी, लगभग जो है मैं 4 तक कर लूँगी और जो है 1 तक पानी जो है चलता रहेगा टैप। और उसके बाद मैं जो है 1.5 तक जो है टैप खुला रखूँगी और उसके बाद मैं टैप बंद कर लूँगी और ये ड्रायर होता रहेगा। और अच्छे से सरफ जो है कर्टन्स में से निकल जाना चाहिए। आप चाहें तो लिक्विड सरफ आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं और कर्टन्स भी सारे इस तरीके से धो लूँगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने काफ़ी टाइम से इस तरीके से धो रही हूँ मैं कर्टन्स को। फ्रेंड्स जो है ड्रायर पर्दे जो है कर्टन्स जो है ड्रायर हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स अब जो है मैं इनको सुखा देती हूँ छत पे। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से जो है टेरेस पे छत पे इस तरीके से मैं कर्टन्स को मैंने डाल दिया है और अच्छे से जो है मैं धूप लगने दूँगी। और 2 से 3 घंटे बाद मैं इनको कर्टन्स को उतार के जो है अपने रूम में या अपने होम में घर में लगा लूँगी। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा, कि जो भी है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, बताएं कि आप लोग किस तरीके से जो है कर्टन्स धोते हैं। और मैं इस तरीके से धोती हूँ और स्टफ़ पे भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा क्योंकि सभी के घरों में अलग अलग स्टफ्स के कर्टन्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये कुछ इस तरह का स्टफ़ है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो है कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई और अच्छे से जो है प्लेट्स भी बनी रही। और अगर प्लेट्स अगर ख़राब होती हैं तो आप हल्की सी प्रेस किसी आप प्रेस कर सकती हैं, सूखने के बाद आप प्रेस कर लें तो प्लेट्स एज इट इज़ रहेंगी और कभी जो है कर्टन एज इट इज़ रहेंगी। और अब आप देख सकते हैं मैंने जो है कर्टन सभी जगह लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।